नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूँ आपके साथ रत्नाकर। बांग्लादेश में सुबह 10:16 पर भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिश्टर पैमाने पर 4.8 रही। असम के गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट के अन्य हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। एनडीआरएफ के जवान कच्छ में सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाने का अभियान चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के एलओसी के जुमागुंड इलाके में सुबह से चल रहे एनकाउंटर में 5 आतंकी मारे गए हैं। चक्रवात बिपरजॉय दोपहर तक और कमजोर हो जाएगा, उसके बाद शाम तक और भी इसके कमजोर पड़ने की संभावनाएं हैं। हवा की गति अभी भी 80-85 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गुजरात के कच्छ और द्वारका में कई जगह पर पेड़ गिरे हुए हैं। कच्छ में भारी बारिश भी हो रही है। नलिया में एक पेट्रोल पंप क्षतिग्रस्त हो गया है और कई जगह पर बिजली पूरी रात नदारद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले कुछ दिनों में होने वाली अमेरिका की राजकीय यात्रा पर अमेरिकी सांसद अमी बेरा ने कहा है कि भू राजनीतिक चुनौती और भारत के आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने के लिहाज से यह यात्रा अहम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कार्यवाही को लेकर आश्वासन दिए जाने के बाद रविवार को देहरादून में प्रस्तावित मुस्लिम महापंचायत को रद्द कर दिया गया है। कनाडा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में एक सेमी ट्रेलर ट्रक की एक छोटी सी बस से टकरा जाने से बड़ा हादसा हो गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के एलओसी के जुमागुंड इलाके में कुपवाड़ा पुलिस की ओर से मिले इनपुट पर आतंकी और सेना और पुलिस के संयुक्त दलों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें, और अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में एनबीसी न्यूज पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।